अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज के जो ब्लॉग है उसमें हम लोग कुछ डिफरेंट जगहें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो हमारा प्लान था कि हम लोग एक्सपो में जाएंगे, लेकिन एक्सपो के लिए हम लोग लेट हो गए थे, हमें सुबह सुबह निकलना चाहिए था। तो इसलिए अब हम लोग जो हैं ग्लोबल विलेज जो है आज तो हम विजिट करेंगे। अहमद भाई, हम किधर आए हैं ज़रा बोले आप। ग्लोबल विलेज, आज हम ग्लोबल विलेज घूमने आए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये हमारे साथ मुबशिर भाई भी हैं। हेलो। किसकी रिकमेंडेशन है भाई यहाँ की? ये अहमद भाई की हम रेकमेंडेशन तो नहीं कहेंगे, पुरजोर फरमाइश पे आए हैं। क्यों अहमद भाई? जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे अबू के लिए? क्या कह लिया आपने जी? अबू के लिए क्या कह लिया? क्या कह रहे हैं आपने अबू के लिए? क्या क्या खरीदा है? बहुत कुछ खरीदा है जी। हम लोग तो जा रहे थे एक्सपो की तरफ, लेकिन अहमद भाई ने कहा है हमें कि ग्लोबल विलेज देखते हैं, तो चले यहाँ चेक करते हैं क्या सीन्स है यहाँ। सर आप एक काम करें, पब्लिक प्लेस में आप मास्क ऊपर कर लें, लोगों को आपकी शक्ल इतनी भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं, वो आ रही आवाज, आ रही है, आप टेंशन में। रश बहुत है, हालांकि वीकेंड जो है। मैंने वो घूमना था पहले, एक साइड में देखा अरबनी आ रही, मैं उधर ही रुक गया। आप किधर रुक गए फिर? यार अरबनी आ रही थी यार, मैंने कहा नहीं यार। चलो आप तो मानी हो, हम पाकिस्तानी हैं भैया, उधर मिले भाई। मैं अपना टेंपर लगा के अंदर जाऊंगा, मैं क्या पता नहीं कह रहा, मैं अपना टेंपर लगा। अहमद भाई फ्री की इंट्रेंस मारने जा रहे हैं, ये देखें। और हम लोग जा रहे हैं टिकट्स लेने। हाँ ना, आ जा आ जा, पेज भी लोड हो जाएगा। ये हमारे मुफ्ते के भाई हैं जी, देखिए हम टिकट लेके आए हैं। आप कैसे अंदर आए, कहानी बताएं। मुझे किसी ने रोका ही नहीं, मैं उधर भी आया। ये एग्जिट वाले एरिया से अंदर घुसा है भाई हमारे। अच्छा दिखाओ कितने की आई है। और ना ही मेरे पास आज बैठे वाले भाई आ गए ना। अच्छा दिखा टिकट, तो दिखा कैसी है। थोड़ा एक्सप्लेन तो कर यार, कैसे आए तो अंदर? सीधा मैं आया हूँ। एक सेकंड नहीं, मुझे नहीं बता कैसे अंदर आए। सीधा एग्जिट से आया हूँ, उधर किसी ने देखा ही नहीं, वो दूसरे के साथ बिजी था, तो मैं अंदर आ गया सीधा। चलो अच्छा है यार, आपने कितने 20 दिरहम बचा लिए। 20 रुपये बचा लिए जी दुबई के इन्होंने।
और हम लोग जो हैं वो तुर्की के पवेलियन से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तुर्की पवेलियन एंटर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ भी डिफरेंट पवेलियंस बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से। अभी हमने तुर्की का जो है पवेलियन वो सबसे पहले विज़िट किया है। अभी हम जा रहे हैं मुबशर भाई किधर? अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी ढूंढने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ढूंढना है जी हमने। ये हमारे हसन भाई का बना हुआ है यहाँ पे मुजस्मा, ये देखें। और अभी हम इंटर हो रहे हैं पाकिस्तान पवेलियन की तरफ। और यहाँ इंटर होते साथ ही जो शॉप है वो पाकिस्तानी लेदर है, इसमें पाकिस्तानी मेड लेदर जैकेट्स हैं, बेल्ट्स मिलेंगे आपको और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। ये पाकिस्तानी वुडन क्राफ्ट की शॉप है, इसमें भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी जो सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक मुबशर का दोस्त है जो कि यहाँ की मैनेजमेंट में काम करता है और उसका ऑफिस जो है बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो मिल जाए ताकि वो हमें गाइड कर सके कि हमें कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इधर क्या एक्टिविटीज़ हैं।
अभी जो है हम लोग सीरिया के पवेलियन में एंटर हो रहे हैं। अभी हम लोग जो हैं वो कोरिया के पवेलियन में आए हैं। भाई फैन है BTS के, देखें BTS के? नहीं BTS होता है, बोले हैं BTS है। BTS आपको पता क्या है? क्या है बताएं? थोड़ा ना करते हैं। ठीक है वो ये आपको और इसके साथ बेशक कोई नेट से क्लिप निकाल के आप जोड़ सकते हैं। चले और ये थाईलैंड का पवेलियन है, अभी हम लोग इसमें जा रहे हैं। डैनियल भाई की फेवरेट जगह, हर हफ्ते थाईलैंड जाना लगा रहता है। बड़ा खुश हो रहे हैं आप इधर जाते हुए, क्या बात है सर भाई। यहाँ पे हम लोग ये कुछ शूज़ हैं वो चेक कर रहे हैं और क्वालिटी वाइज तो बस ओके हैं, कुछ अच्छे नहीं है, इतनी खास क्वालिटी नहीं है इनकी। और ये जो है ये इराक का पवेलियन है। और ये जापानीज़ पवेलियन है। हमने कोशिश की कि हम लोग मैक्सिमम कंट्रीज़ के पवेलियन विज़िट करें और ऑलमोस्ट हमने सारे ही कंट्रीज़ जो हैं वो देख लिए हैं।
और ये अमेरिकन पवेलियन है। अंदर से काफ़ी कोशिश की इन्होंने कि मार्केट्स बिल्कुल वैसे ही बने, उन्हें क्या कल्चर शो करें। दिस इज़ द यूरोपियन पवेलियन। यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन इसकी स्ट्रीट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे आपको लगे कि आप वाकई यूरोप में हैं। रेलवे मार्केट, और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड आप अवेलेबल था, आप ले सकते थे, और अलग अलग स्टॉल्स थे, और काफ़ी डिफरेंट था ये, काफ़ी यूनिक स्टाइल मार्केट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। किधर जा रहे हैं हम? अरे ये झूला देखने वाले हैं, बंदू इधर आ। चलें बैठे। क्या हो जाएगा? आपको बहुत चक्कर आएंगे यहाँ पे। ओके ओके ओके। मेरा तो बहुत दिल था कि हम लोग झूलों पर बैठें, लेकिन अहमद और मुबशर दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था बैठने के लिए,
फिर हमने बस ये एरिया एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छी राइड्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के झूले हैं। मैंने तो पूरी कोशिश की कि अहमद भाई भी बैठ जाएं झूलों पे और साथ मुबशिर को भी मनाने की कोशिश की, पर ये लोग नहीं मान रहे। और ये कुछ इंडियन स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पे, हम लोगों ने ये देखा क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ग्लोबल विलेज पूरा देख चुके थे। बस फिर इसके बाद हम लोग ग्लोबल विलेज से निकल आए क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया था और आज हमारा लास्ट डे था दुबई में। हमने कोशिश की कि इन दिनों में हम लोग जितनी ज़्यादा जगह कवर कर सकें उतनी ज़्यादा हमने जगह जो है वो कवर कर ली। मॉल्स जो हैं वो सारे देख लिए। एक्सपो पर हम लोग नहीं जा सके, बहुत ज़्यादा बारिश थी जिसकी वजह से हम लोग एक्सपो नहीं जा सके। इसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया, थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर हम लोग दुबई डाउनटाउन एरिया चले गए और उधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मुबशर के साथ हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए। हत्ता बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब हमने ओमान एंटर किया तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू होगी जिसकी वजह से जो रोड पे वादी थी वो बहुत ज़्यादा वादी ऊपर होगी और लेवल से अपने, और हम लोग गाड़ी जो है वहाँ से नहीं गुजार सकते थे। लेकिन फिर भी हमने एक ट्राई किया जिसकी वजह से गाड़ी का जो है वो पानी नीचे घुसा और जो गाड़ी की ब्रेक लाइन्स होती हैं वो कुछ थोड़ी सी डैमेज हो गई जिस वजह से हमें रुकना पड़ा। पूरी रात हम लोग वहीं गाड़ी में बैठे रहे। फिर जब थोड़ा सा वादी का पानी कम हुआ फिर वहाँ पर गैराज वगैरह पर गए हम लोग। सुबह सब गैराज भी बंद थे लेकिन फिर मैंने गाड़ी खुद ही थोड़ी फिक्स कर दी और उनको दोबारा वापस अटैच कर दिया और गाड़ी फिर बिल्कुल ठीक चल रही थी। और अभी हम लोगों ने ओमान एंटर कर लिया, बस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। दुबई का हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी और ट्रिप में किसी नए दिन। और काइंडली लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।